प्यारे साथियों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट पर पढ़ रहे थे, तो मॉड्यूल वन में हमने कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कैसे इंक्रीज करता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन तमाम पॉइंट्स के बारे में मैंने पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू और डिप्रिसिएशन के बारे में। तो देखो, ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब नेट वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो हमें ग्रॉस वैल्यू मिलता है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब सिंपली समझो कि एक कार हमने खरीदा है ना, एक कार खरीदा, ये कार कितने का खरीदा मैंने, मान कर चलो कि 2 लाख, है ना, 2 लाख का कार खरीदा। इसको 2 साल तक यूज किया, कितने, 2 साल तक इसको यूज किया। 2 साल तक यूज करने के बाद हम इस को बेच दिए, इसको क्या किए, बेच दिए। कितना में बेच दिए, 1 लाख में बेच दिए, ठीक है, इसको क्या कर दिए, 1 लाख में बेच दिए। तो 1 लाख में बेच दिए, तो 2 साल यूज करने के बाद, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस आया प्राइसेस का कि खरीदे थे हमने 2 लाख में, बेचा मैंने 1 लाख में, तो 1 लाख का जो है हमें लॉस देखने को मिला। तो ये जो 1 लाख का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है 2 साल के बाद यूज करने के बाद, तो इस चीज को कहा जाता है डिप्रिसिएशन। इसको क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन, यानी जो भी कैपिटल हमने परचेज किया और उस कैपिटल को परचेज करने के बाद उसको कुछ टाइम तक यूज किया और यूज करने के बाद जब हमने उसको बेचा तो जो हमें वैल्यू मिला और जो डिफरेंसेस मिला उस वैल्यू में, वो हमारा क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को हम लोग कंज्यूम्ड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशंस अलाउंस, इन नामों से भी जाना जाता है। और नेट वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू वह वैल्यू हो गया जिस पे किसी चीज को खरीदा गया, जो उसका नेट वैल्यू है ना। तो नेट वैल्यू क्या हो गया हमारा, 1 लाख, बेचा कितने में, 1 लाख में इसको बेचा, डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 1 लाख, है ना। तो 1 लाख में बेचा, 1 लाख डिप्रिसिएशन हुआ, इन दोनों को जो जोड़ दिए तो हमारा ग्रॉस वैल्यू निकल गया कि भाई ग्रॉस वैल्यू हमारा कितना था, 2 लाख, 2 लाख में मैंने खरीदा था, 2 लाख हमारा ये आ गया। तो ये चीज़ है, इसके बारे में और धीरे धीरे हम लोग आगे जानेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। डिप्रिसिएशन जो होता है, कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण से, टाइम पासेस के कारण से। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इतना यूज कर लेते हैं, इतना यूज कर लेते हैं कि उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब हो जाता है या बहुत ज़्यादा घिस जाता है, तो उसमें हमारा पैसा जो जब बेचते हैं 1-2 साल के बाद यूज करने के बाद तो खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं लेकिन 100 साल भर, 2 साल भर रखे रहते हैं और उसका यूज नहीं करते हैं, फिर भी वो क्योंकि टाइम के अनुसार वो आउटडेटेड हो जाता है, इसलिए वो टाइम के गुजरने के साथ साथ उसका पैसा यानी जो एक्चुअल प्राइस पे जितना हमने खरीदा था वो कम हो जाता है। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्लियंस, कई सारे ऑब्सोलेंस होते हैं, उसके कारण से भी जो है हमारा डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, है ना, ये NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मत समझ लीजिएगा, ये NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसमें और इनडायरेक्ट टैक्स में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आता है वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो वैसा टैक्स जो इम्पोज किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रोडक्शंस पे इम्पोज किया जाता है, या गुड्स को सेल कर रहे हैं या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं उस पे जब गवर्नमेंट का कोई टैक्स अप्लाई होता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये मेजरली आपका रोल निभाता है, आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, सब्सिडीज क्या होता है? तो जब कोई इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टू द फर्म और हाउस होल्ड विद अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर, मतलब लोगों का भला हो सके, है ना, उस मोटिव से, उस उद्देश्य से, जब किसी को कुछ प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको कुछ छूट दिया जाता है तो वो चीज़ कहलाता है सब्सिडीज। सब्सिडीज जो है अपोजिट होता है इनडायरेक्ट टैक्स के, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लेती है लोगों से और सब्सिडीज जो होता है गवर्नमेंट देती है ना, समझिए, गवर्नमेंट जब पैसा ले लोगों से तो वो इनडायरेक्ट टैक्स, और जब गवर्नमेंट दे खुशी से तो वो होता है सब्सिडीज, ताकि कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल सके लोगों को या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल सके। तो इस मकसद से जब दिया जाता है तो वो हमारा कहलाता है, ठीक है, सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट जो होता है ये वह अमाउंट होता है जो पे किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो भी फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है उसमें जो अमाउंट पे किया जाता है वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस, वह प्राइस जिस पे प्रोडक्ट जो है एक्चुअली बेचा जा रहा है मार्केट में, है ना, वह प्राइस जो मार्केट में एक्चुअली बेचा जाए कोई भी प्रोडक्ट को वो हमारा कहलाता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है फैक्टर प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा और हमारा फैक्टर कॉस्ट क्या है, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस हमारा निकल कर आता है। जीडीपी, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मेजर करता है मॉनेटरी वैल्यू को, है ना, ऑफ फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का, जो कि बाई किया जाता है यूजर के द्वारा ताकि वो फाइनल यूज कर सके इन अ कंट्री और एक गिवन पीरियड में, है ना, मतलब अपने देश के एक गिवन पीरियड में जब लिया जाता है तो वो हमारा कहलाता है जीडीपी। जीडीपी जो है ये काउंट करता है आउटपुट जो जनरेट हुआ है एक बाउंड्री के अंदर, जितने भी आउटपुट जनरेट हुए हैं उसको ये काउंट करता है। जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है फॉर स्पेंडिंग ऑन बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, इस पे एक्सपेंड कितना, मतलब कितना एक्सपेंडिंग किया गया है अकाउंट्स का, उसके हिसाब से जीडीपी को जो है कैलकुलेट किया जाता है। जो जीडीपी होता है किसी भी कंट्री का वो टोटल कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है प्लस बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग कितना किया जा रहा है प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, विच इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, है ना। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ टोटल, कितना इम्पोर्ट हुआ, उन दोनों को जब माइनस किया जाता है तो नेट एक्सपोर्ट हमें मिलता है। तो जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन थ्री वेज, तीन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड, ये तीन तरीके से जो है किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में ना आपको अभी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको जब इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स आप अभी पढ़ रहे हैं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
जब आप इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, ये आपका एक कॉमन पेपर है ना, जो कि आपको 8th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो जब आप 8th सेमेस्टर में जाओगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, या आप हमारे कोर्सेज में इनरोल करोगे तो आपको पता चलेगा, है ना। तो उसमें आपको डिटेल में मैं बताया हूँ कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी या इकोनॉम इनकम ऑफ कंट्री या पर्सन, प्रोडक्शन से कैसे यूज किया कैलकुलेट किया जाता है, और इनकम से। तो जीडीपी का अभी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप छोटा सा याद रखो, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना। तो जीडीपी कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला होता है। सी क्या है, तो कंज्यूमर कितना एक्सपेंड किया, कितना खर्च किया, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ वो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग कितना किया, कितना खर्च किया वो, और नेट एक्सपोर्ट क्या हुआ वो, है ना। इसके जगह पे आप एक कोई फैक्टर के ले सकते हो, एम सक ले सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पे एक्स माइनस एम, तो ये फॉर्मूला से जीडीपी जो है हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीएनपी, जीएनपी ये मेजर किया जाता है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय अ कंट्रीज सिटीजन ओनली, है ना। कंट्री के सिटीजन के लिए जब सिर्फ जो प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का जो वैल्यू, बट बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, तो वो हमारा कहलाता है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है जीएनपी को सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस जेड। सी जो है यहाँ पे आपका कंजम्पशंस, जो कि कंज्यूमर के द्वारा, आई इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस में, जी गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड किया, एक्स नेट एक्सपोर्ट, इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम, याद रखिएगा, है ना। इसको आप वाई से भी ले सकते हो या के भी ले सकते हो, कुछ भी। और जेड जो है नेट इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक, कितना नेट इनकम अर्न किया गया डोमेस्टिक से। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना, जेड इज इक्वल टू आप ले सकते हो कि कितना डोमेस्टिक से अर्न किया गया और कितना अब्रॉड से आया, इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो नेट हमारा इनकम अर्न निकल जाएगा डोमेस्टिक का, है ना। रेसिडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, है ना। जो मैंने बताया जेड इज इक्वल टू, आप मान के चलो कि के माइनस या एल माइनस एन कर देंगे, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा आता है या नेट प्रोडक्ट आता है। जीएनपी जो है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है बाय इकोनॉमिस्ट, ये यूज किया जाता है ताकि जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशंस को पता करने के लिए, सच एज पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन, है ना, कि गरीबी कितना है और कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, इसको कैलकुलेटर करने के लिए। वेन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, जीएनपी बिकम्स मच मोर रिलायबल फैक्टर देन जीडीपी। मतलब जीडीपी से ज़्यादा अच्छा जो है हमारा जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। जब हम लोग पर पर्सन्स के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं तब। ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके अगला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है नेट इनकम यानी नेट अर्निंग। नेट इनकम ये कैलकुलेट किया जाता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितना सेल हुआ प्रोडक्ट का या गुड्स का और कितना उसका कॉस्ट था, है ना। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो नेट इनकम मिल जाएगा यानी नेट अर्निंग मिल जाएगा। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो ऑपरेट किया जाता है एक्सपेंसेस का आपका, डिप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस आपका यहाँ पे आता है। इट इज़ अ यूजफुल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये यूजफुल नंबर होता है फॉर इन्वेस्टर्स के लिए ताकि असेस्ट किया जा सके कि कितना रेवेन्यू जो है हमारा एक्सीड कर रहा है और कितना हमने स्पेंड किया था, एक्सपेंसेस कितने हुए ऑर्गेनाइजेशन में और कितना रेवेन्यू हुआ उसको देखा जाता है और कितना एक्सीड हो रहा है, मतलब कितना चेंजेस हो रहा है, बढ़ोतरी मिल रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पे जो है देखा जाता है और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है काम में लिया जाता है इस चीज़ को, और उसके बेसिस पे काम जो है किया जाता है और एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ से देखने को मिलता है। ओके उसके बाद अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे नेशनल इनकम। ये मेजर किया जाता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड किया गया है बाय कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो जो वैल्यू होता है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। डिस्पोजेबल इनकम DPI, ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है। क्या होता है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम जो होता है यह वह अमाउंट होता है पैसा का जो इंडिविजुअल या हाउसहोल्ड्स के द्वारा स्पेंड किया जाता है टू सेव आफ्टर इनकम टैक्स हैव बीन डिडक्टेड, जब इनकम टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाता है। तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल करेंट टैक्सेस, मतलब जितना आपने टैक्सेस भरा उसके बाद जो आपके पास इनकम आया तो वो जो पैसा हुआ आपका वो कहलाता है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब उसी को आप कर सकते हो। जैसे मान कर चलो कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरे को 30,000 रुपया जो है दिया जाता है। 30,000 में से मान कर चलो कि 2,000 रुपया मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो टैक्स पे करने के बाद मेरे को कितना मिला? 28,000 रुपया। कितना? 28,000 रुपया। तो जब 28,000 रुपया जो मेरे को मिला, ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाया? डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहलाया? डिस्पोजेबल इनकम जो है ये अपना कहलाया। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना। आई होप कि आज का ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया हो, फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं।